Okay, guys. I really love rain, and it's raining now. Assalamualaikum viewers, welcome back to AB Family. एक मर्तबा फिर आपको हमारे ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे खुशामदीद. Assalamualaikum everyone. Assalamualaikum. आज हम लोग यहाँ पे बैठे हैं अपनी गाड़ी में. बाहर हम जा रहे हैं आज और हमारा प्रोग्राम आज ये है. 100 मील के लगभग या तकरीबन यहाँ से, तो वहाँ पे हम जाएंगे, देखेंगे कितनी स्नो हुई और क्या कुछ हुआ है. और जहाँ हम इसीलिए रहे क्योंकि नया नया सर्दी का मौसम आया है, नंबर वन. और सेकंडली ये और सर्दियों की कपड़ों की शॉपिंग भी की है, तो सारे नए नए कपड़े पहनने को दिल कर रहा था गरम गरम. और सेकंडली ये कि मेरी 4 छुट्टियां हैं, तो छुट्टियां इतनी आसानी से आती नहीं है, तो सोचा कि इस छुट्टी का फायदा उठाया जाए और कहीं ना कहीं जाया जाए. तो कोशिश करेंगे कि कहीं ना कहीं रुक के आपको सीनिक जो व्यूज हैं वो दिखाएंगे इंशाल्लाह, और आपसे गपशप भी करते रहें. और सफर पे जाने से पहले बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो बहुत ही जरूरी होती हैं. तो ये हमने जैकेटें रख ली हैं, यहाँ पे कुछ फूड है ये हमने रख लिया है. बहुत सारी चीजें ऐसी होती हैं जो आपको कुछ तो अपनी चेक लिस्ट पे रखनी चाहिए. पानी बहुत ही ज्यादा जरूरी है, गैस पे कभी भी कंप्रोमाइज ना करें आप. फूड बहुत ही जरूरी है, कहीं पे भी रुकना पड़ सकता है. और बच्चों की चीजें सारी चेक करनी चाहिए, बच्चों से पूछना चाहिए ताकि उनको अंदाजा भी हो और उनको पता भी हो कि वो भी कोई चीज अपनी भूल नहीं गए, ताकि उनको उस तरीके से चीजें सारी की सारी जो है वो याद रहे. नेक्स्ट टाइम के लिए भी उनके लिए आसानी होती है और आपका सफर जो है वो भी आसान और खुशगवार जो है वो हो जाता है. और अपने बच्चे जरूर गिन लिया कीजिए, क्योंकि पता नहीं लगता कि कोई बच्चा मिस ना हो. खासतौर पर जिनके ज्यादा बच्चे होते हैं ना, 10-10, 12-12 बच्चे, उनको तो जरूर ही काउंट कर लेना चाहिए, क्योंकि बच्चों के गुम होने की आजकल बहुत ज्यादा इतलात वो भी हमें मिलती रहती है. और जो सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, जो कि मेरे मियाँ हमेशा भूल जाते हैं, अपना वॉलेट. मेक श्योर कि जब आप सफर पर रवाना होंगे आपका लाइसेंस और आपका वॉलेट आपकी जेब में होना चाहिए. और घर के अंदर जब आयतुल कुर्सी पढ़ के और उसकी दीवारों के ऊपर हर तरफ से आयतुल कुर्सी पढ़ के, तो फिर जाना चाहिए, क्योंकि घर जो है वो आप अल्लाह ताला के हवाले करके जा रहे होते हैं. और कहते हैं कि अगर उसकी बाउंड्री के ऊपर आयतुल कुर्सी पढ़ दी जाए तो फिर वहाँ पे किसी किस्म के चोरों के आने का जो अंदेशा होता है वो अपनी तरफ से ख़त्म हो जाता है. अल्हम्दुलिल्लाह सुभानल्लज़ी सख़्फ़रा लना हाज़ा वमा कुन्ना लहु मुक़रिनीन वइन्ना इला रब्बिना लमुन्क़लिबून. अगर आपकी गाड़ी में कैमरा है भी सही ना, बैक कैमरा, तो कोशिश किया करें कि फिर भी अपनी जो रियल आइज़ है ना, उसके कांटेक्ट से आप ड्राइव किया करें, क्योंकि कैमरे का कभी भी कुछ भी हो सकता है. मौसम मैं आपको थोड़ा सा दिखा दूं यहाँ पे कि मौसम इस वक्त कितना है. हमारा इलाका बहुत ही गर्म है, जैसे हमारा मुल्तान था बिल्कुल वैसे ही हमारा फिनिक्स है. यहाँ पे हम लाइव भी जाएंगे और ये हमारा फर्स्ट एलवी होगा, और इसमें देखते हैं कि कौन कौन हमें ज्वाइन करता है, क्योंकि ये एक सरप्राइज हमारा फर्स्ट एलवी होगा एबीए फैमिली की तरफ से. सोलिस ने कहा बिग लाइक, ये थैंक यू सो मच सोलिस, तेरा बहुत बहुत शुक्रिया. टोरंटो में हमारे बहुत ही एक अच्छे दोस्त है, एक हमारे क्लास फेलो रहता है टोरंटो में. आपका बहुत बहुत शुक्रिया. आप हिना कह रही की आज मुल्तान का मौसम भी बहुत ठंडा है, तो हम भी मुल्तान में ही रहते हैं. यहाँ मुल्तान का और यहाँ का जो एरिजोना का टेम्परेचर है वो ऑलमोस्ट सेम होता है. आपका व्लॉग देखा था इना फातिमा, आपने जो वहाँ पे वो दिखाया था सेलफोन्स का, लेकिन किसी ने बेल्जियम से सलाम भेजा है. ओ बेल्जियम. Okay. बेल्जियम से कोई पहला बंदा है जिसने हमें ज्वाइन किया यहाँ पे हमारी एलवी पे, आपका बहुत बहुत शुक्रिया. ये अभी हम लोगों ने यहाँ पे ब्रेक लगाई है, और ब्रेक लगा के हम ये देखना चाह रहे हैं कि हम अभी कहाँ पे आए हैं. सो लेट्स सी. तो ये बहुत अच्छी खूबसूरत सी और सिक्योर्ड एक जगह बनाई हुई है. आयशा भी बाहर निकली है. इट्स अ नाइस कूल वेदर. हाँ, what do you think? you wanna say something to your audience? Aisha ka apne ek channel bhi hai, aisha's world.
तो आयशा उसके ऊपर अपने व्लॉग्स बनाती है, आयशा उसके ऊपर अपनी स्टडी दिखाती है, मैं स्टडी कैसे करती हूँ, आयशा उसके ऊपर दिखाती है हमारा होमवर्क कैसा होता है, आयशा उसके ऊपर दिखाती है हमारा स्कूल कैसा होता है, आयशा उसके ऊपर दिखाती है अपने फ्रेंड्स के घर में कैसे जाती हूँ, आयशा अपने फ्रेंड्स के घर भी घरों में जाती है जब, तो उसके अंदर भी एक व्लॉग बना के आती है, और जब आयशा खेलती है तो उसके अंदर भी आयशा के व्लॉग्स वहाँ पर पाए जाते हैं। आयशा के चैनल का नाम है आयशाज वर्ल्ड। तो मैं इधर आया हूँ और यहाँ पर हमने अभी अपना खाना जो है वो रखा है, मैं अभी दूर हूँ खाने से, तो मैं अभी फेंस से निकल के तो जाता हूँ वहाँ पे और हम कुछ ना कुछ खा ही लें मेरे ख्याल, ताकि हमारा ट्रैवल जो है वो अच्छा हो जाए। ये तो हल्की चीज़ है ना, ये उड़ जाएगी। दिस थिंग इज वी नीड टू फिगर दैट आउट लाइक हाउ वी कैन ईट ऑनेस्टली बिकॉज दिस इज काइंड ऑफ सेफ्टी इज फर्स्ट, दैट्स फाइन, डोंट वरी अबाउट इट। ये हम जो खाना लेके आए हैं ये हम दिखा दें, अलबत्ता ये कैसे कवर करके लेके आए हैं, ये देखें ये कवर किया हमने, और ये इसके अंदर जो है वो चिकन टिक्का और ये राइस। बे वेरी केयरफुल, इज सो विंडी योर पे। अच्छा मज़े की बात ये कि हॉट पॉट भी मैं पाकिस्तान से लेके आया था, मुल्तान से लेके आया था मैं, तो ले लो बेटा फिर ताकि। तो ये रास्ते में बैठ के हम लोग अपना खाना खा रहे हैं, क्योंकि सुबह हम लोग जल्दी निकले थे वहाँ से घर से, ताकि हम आराम से पहुँच सकें और हमें जल्दी ना करनी पड़े, ताकि हम एक ही दिन वापस भी आ सकें। हमारे पास बहुत ही शदीद गर्मी होती है, यहाँ के वेदर को देख के ये झंडा देखें ये किस तरीके से लहरा रहा है, तो ये विंड का आपको अंदाज़ा हो सकता है कि दरख्त यहाँ पे किस तरीके से हिलते हुए महसूस हो रहे हैं। एरिजोना में कैनियंस बहुत सारे हैं और कैनियंस की वजह से ही ये बहुत मशहूर है। सबसे बड़ा जो यहाँ पे कैनियन है जिसको दुनिया का सातवां अजूबा भी कहा जाता है, ग्रैंड कैनियन, जहाँ पे कि हम पहले एक दफ़ा गए थे, तो आज हम आए हैं यहाँ पे वॉलनट कैनियन पे। ये इस जगह का नाम है, ये बहुत ही खूबसूरत जगह, बहुत ही खूबसूरत है, बहुत ही सीनिक है ये, और ऑब्वियसली मतलब पुरानी भी बहुत है। फिलहाल जो है वो इतनी दूर इस वक्त किया हुआ है। यहाँ पे इस किस्म की जितनी भी जगह हैं इनको बहुत अच्छे तरीके से इन्होंने मेंटेन रखा हुआ है और टूरिस्ट के लिए बनाया हुआ है, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा टूरिस्ट आएँ और इससे इनके पैसे भी बनते हैं और लोग भी इंजॉय करते हैं। यहाँ पे थोड़ा सा बैठ के हम रेस्ट कर रहे हैं। मामी ये कर पाओ आयशा साथ हो ना। Today we're going to walk, well, we're going to travel all the way here to the end. Okay, well, let's go down now. Oh yeah, I saw some rain. यहाँ पे आगे एक गाइड खड़ा है और ये बच्चों को एंटरटेन भी करते हैं और बताते हैं, इन्फॉर्मेशन देते हैं कि ये इस जगह कितनी पुरानी है, इसकी हिस्ट्री क्या है, तो बच्चे इससे खुशी महसूस करते हैं और इनके पास बहुत अच्छी अच्छी मालूम होते हैं। ये सारे वॉलंटियर्स होते हैं, कोई पैसा वैसा नहीं लेते और अच्छी मालूम देते हैं। ये सारी इन्फॉर्मेशन दे रहा है कि यहाँ पर पहले क्या होता था, ये किस चीज़ के निशान है, और ये लेफ्ट साइड पे आपको छोटी छोटी गारें, छोटी छोटी जगह नज़र आ रही हैं, तो यहाँ पे लोग रहते थे किसी ज़माने, अब तो नहीं रहते, इसमें जाना अलाउ नहीं है, लेकिन अभी भी यहाँ पे जो वो आग जलाते होंगे तो उस आग के जलने के जो असरात हैं और जो निशानात हैं वो अंदर अब भी मौजूद हैं, लेकिन इनके अंदर जाना वैसे अलाउ नहीं है। It's pretty sad because my teacher said nicer compliments. Okay. Probably than Baba. Basically, this whole thing. They were super nice teachers. The old times and people use these as houses. They complimented me more than Baba has done in my life, so that's so pretty epic. As you see, this is a door that you come in, and then there's a little bit of No, there's no furniture. They make like stuff by themselves, and this was houses. Everyone did not have the furniture. They just used to sit down and lay on the floor. You know. Yeah. No. If it's emergency, they made furniture by wood and dirt, leaves, rocks. Okay, guys, I really love rain, and it's raining now. It looks sunny, but it's raining. I just like the sprinkler ones. Like it's sprinkling. Whole entire view is that there's a lot of mountains and trees everywhere. Okay, and what I really love about the rain is
with its sprinkles on me. तो ये बहुत ही खूबसूरत जगह और देखने और दिखाने वाली जगह. हम क्योंकि यहाँ पे कैनियंस में रहते हैं, एरिजोना में रहते हैं, यहाँ पे दुनिया के मशहूर तरीन कैनियंस हैं, तो जहाँ पे भी हम जाते हैं फिर हम अपने व्यूवर्स को दिखा सकते हैं कि यहाँ पे किस तरह की जगह हैं जहाँ पे वो नहीं पहुँच सकते, और इसी तरीके से हम भी उनकी जगहें देख लेते हैं जहाँ पे कि हम खुद नहीं पहुँच सकते. तो इस तरीके से मज़ा आता है, शेयर करवाने वाले को भी मज़ा आता है और देखने वालों को भी मज़ा आता है कि उनकी अपनी ही कम्युनिटी, उनके अपने ही कल्चर के लोग जब उनको मुख्तलिफ जगहें दिखाते हैं. ये बहुत पुरानी, बहुत तारीखी ज़ाहिर जगह हैं, इनकी बहुत पुरानी तारीख होगी, तो इन जगहों पे जाके एक सूदिंग सा जो है वो इफ़ेक्ट्स वो मिलते हैं. जगह बहुत ही खूबसूरत है, यहाँ पे हर जगह पे केव्स पाई जाती हैं, छोटी छोटी केव्स, छोटी छोटी केव्स यहाँ पे जो लोग रहते थे लिटरली, अभी भी उनके निशानात भी मिलते हैं कि वो किस तरीके से, बर्तन वर्तन नहीं है उनके, लेकिन इसके अलावा उनके रहने के जो असरात हैं वो अब भी यहाँ पे पाए जाते हैं. तो यहाँ पे आने का फ़ायदा होता है कि आपकी हाइकिंग हो जाती है, इन्फॉर्मेशन मिल जाती है, और अब पुराना ज़माना जो था, सदियों पुराना, उसको भी आप थोड़ा सा इंजॉय कर लेते हैं कि वो लोग कैसे रहते थे, उनकी क्या लाइफ थी, कैसे छुप के वो रहते थे. और ज़ाहिर है कि हर किसी को अपनी जान की एक फ़िक्र होती है, तो वो अपनी जान को कैसे जो है महफूज रखने के तरीके जो है वो अपनाया करते थे. It's a very nice hiking trail though, very nice hiking trail honestly. Another scene with the beautiful colors. Okay, we are about to be back now. This is the place where we are coming from the hiking. See how far is that? ये जगह पे हम खड़े हैं ना इस वक्त. So we are in the ocean. This used to be all water. This used to be all water. Wow, see that? Yeah, this is a seashell. Yeah. See that? Yeah. So we're in the ocean, but there's no water. Yeah, used to be. Did they add these stairs? Yes, they did. Yes. And we are actually coming from this spot right there. That's where we are coming from. That's where we are coming from so far. Amazing place. Thanks for the Ali Ammar Chaudhry. Yeah, that's for the Ali Ammar, your brother. He found this place, remember? Yeah. He found this place. So thanks to him. Cold. Everything is so cold. Not me. Move back now. See, we see the sun now. Wow, this feels so good in sun. It does. Mare par sunlight mare zara. Are we shining? Rise up to the shine. So it's a good day to see the sun and the cloud and the hailing and the raining. और एक कैमरा हमारा भी काम कर रहा है, सेल फोन में है,
फैमिली को यहाँ से इजाजत दीजिए, सब्सक्राइब करना ना भूलें, अल्लाह हाफिज। एंड ऑफ द ट्रिप एट दिस प्लेस राइट हियर।